आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, रेखित पेशियों के कोशिका द्रव्य तंतुखंड कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले मेटामियर, दूसरा है न्यूरोमियर, तीसरा है सार्कोप्लाज्म और चौथा है सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोमियर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। देखो, जो पेशियां हो, चाहे वो रेखित पेशियां हो चाहे वो अरेखित पेशियां हो, जो पेशियां होती हैं, ठीक है, पेशियां ये किसकी बनी होती हैं? ये पेशीय ऊतक की बनी होती हैं। ठीक है, पेशीय ऊतक की, और ऊतक किसके मिलकर बने होते हैं? ये कोशिका का मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो जो पेशियां होती हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें जो कोशिका होती है वो क्या होती है, बेलनाकार, ठीक है, और क्या होते हैं, बहुकेंद्रकीय, मतलब पेशियों में जो, ठीक है, केंद्रकीय, जो भी क्या पाए जाते हैं, कोशिका पाए जाते हैं, बेलनाकार होते हैं, बहुकेंद्रकीय होते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका के बारे में हो गया। अब देखो, कोशिका है तो इस पे क्या होगा, आवरण होगा। ठीक है, तो इस आवरण को, कोशिका के आवरण को क्या बोल देते हैं, सार्को, ठीक है, सार्कोलेमा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सार्कोलेमा। ठीक, इसके कोशिका द्रव्य को क्या बोल देते हैं, सार्कोप्लाज्म। क्या बोल देते हैं, सार्कोप्लाज्म। और इस कोशिका द्रव्य में जो तंतुखंड पाए जाते हैं उसको क्या बोल देते हैं, मायोफाइब्रिल। ठीक है, क्या बोल देते हैं, मायोफाइब्रिल। तो यही पूछा गया है कि जो रेखित है, ठीक है, यहाँ रेखित अरेखित पूछा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सभी का आंसर सेम ही होता। रेखित पेशियों के कोशिका द्रव्य तंतुखंड कहलाते हैं, मतलब कोशिका द्रव्य में जो तंतुखंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मायोफाइब्रिल। लेकिन हम ऑप्शन पे देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जो रेखित का मतलब होता है ऐसी पेशियां जिसपे, ठीक है, रेखाएं पाई जाती हैं, रेखित होते हैं, लीनिएटेड होती हैं, उसे कहते हैं रेखित पेशियां, और जिसपे नहीं उसे अरेखित। तो इसका क्वेश्चन होगा मायोफाइब्रिल, लेकिन जो ऑप्शन में हमें यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया है मायोफाइब्रिल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सार्कोप्लाज्म। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है मेटामियर, ठीक है, दो सार्कोमियर के बीच में जो स्थान होता है उसे मेटामियर कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है न्यूरोमियर, ठीक है, तो न्यूरोमियर नहीं होगा, इसी से रिलेटेड है ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा हमारा सार्कोप्लाज्म, तो सार्कोप्लाज्म सही हो जाएगा, और ये सार्कोमियर है। ठीक है, ये क्या है, ये भी तंतु का बना होता है, धागे जैसी संरचना होती है। ठीक है, आप जब कंस्ट्रक्शन में बैंड देखते हैं तो ये दिखाई देता है, धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं, धागे जैसी संरचना। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोशिका द्रव्य के बारे में पूछा गया है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। हमारा राइट ऑप्शन होगा थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।